मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी मुलाकात रमा भानोद जी से हुई जब फिल्म का कोई जिक्र नहीं था, और पता नहीं क्या हुआ था लेकिन मुझे इनवाइट किया गया था फैमिली ने कि मैं नीरजा भानोद अवार्ड पेश करूं चंडीगढ़ में। और रमा जी को जब मैंने देखा तो कोई कनेक्शन हमारे बीच उसी वक्त हो गया। वो बहुत ही गैर मामूली खातून थी, और जैसे कि आप छोटा सा क्लिप देते हैं उसमें आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी दिल हैं, पूरी तरह से दिल हैं। उसका मुझे बड़ी बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ तो मुझे जो बात ख़ास, मैं एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढती हूँ किसी भी कैरेक्टर का जब करती हूँ, और मुझे उसका सेंट्रल पॉइंट लगा था कि ये एक बहुत खरी औरत हैं। ये जो हैं जैसी दिखती हैं ठीक वैसी ही हैं। ये मुझे रमा जी से मिला था, और मैंने कोशिश की है कि ये जो खरापन है रमा भानोद का पूरी तरह से वो पर्दे पर आ सके। मैंने जैसे कहा, ये फिल्म इतनी अच्छी लिखी हुई है और इसके डायलॉग ख़ास तौर से इतने खूबसूरत हैं कि मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना पड़ा। जो स्क्रिप्ट थी और जो डायलॉग हमको मिले थे, और ये बात कि मैं उनको पर्सनली जानती थी, हालांकि सिर्फ एक ही दिन मैं उनसे मिली थी, उसकी वजह से जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उस घर में मैंने कदम रखा और रमा भानोद को मैंने ओढ़ लिया। जैसे उसके लिए सिवाय इसके कि मैं पूरी सच्चाई से और पूरी ऑनेस्टी से और बग़ैर किसी मैनिपुलेशन के उस कैरेक्टर को पेश कर सकूं, बस मेरी यही कोशिश थी। बट शी वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, और मुझे इस बात का अफसोस है कि वो फिल्म नहीं देख सकती देख पाई, लेकिन जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं।